फुयर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्रैल 2021 में Realme के कौन कौन से स्मार्टफोन में Realme UI 2.0 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट, सेकंड बैच बीटा अपडेट, ओपन बीटा अपडेट एंड ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। एंड इसी के साथ ही साथ हम कवर करेंगे Realme के कौन कौन से डिवाइस में ओनली अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा, क्या कुछ कैसे होगा अप्रैल 2021 में Realme के कौन कौन से डिवाइस में कौन सा अपडेट मिलेगा, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो के साथ में। फिर यार हो सके तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, बिकॉज मे भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिस्ट में सबसे पहला फ़ोन है Realme 7 Pro का। फिर Realme 7 Pro डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है Realme UI 2.0 का ऑफिशियल वर्जन। एंड जबकि Realme की तरफ ऑफिशियली कन्फर्म था कि भैया हम Realme 7 Pro डिवाइस में Realme UI 2.0 का ऑफिशियल वर्जन मार्च 2021 में प्रोवाइड कर देंगे, बट ये अपडेट हमारे डिवाइस में अभी तक नहीं मिला। एंड इसके रिलेटेड अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मे बी इसी अप्रैल 2021 में ये अपडेट हमारे डिवाइस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा Realme तरफ से। एंड उसी के साथ ही साथ Realme Narzo 20 एंड Realme 7 Pro डिवाइस में Realme UI 2.0 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट प्रोवाइड किया गया था एक ही मंथ में। एंड Realme Narzo 20 डिवाइस में Realme UI 2.0 का ऑफिशियल वर्जन रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड आई होप Realme 7 Pro डिवाइस में Realme UI 2.0 ऑफिशियल वर्जन जल्द से जल्द रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसी के साथ ही साथ हमारा अगला फोन है Realme 6 Pro, Realme 7, Realme Narzo 20 Pro एंड Realme X2 Pro का। फिर आपको पता होगा इन सभी डिवाइसों में Realme UI 2.0 का ओपन बीटा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दिया गया Realme तरफ से। एंड जैसे कि Realme UI 2.0 के ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होते हैं, अगर उस हिसाब से देखें तो भैया Realme UI 2.0 का ऑफिशियल वर्जन इन सभी डिवाइसों में अप्रैल 2021 में प्रोवाइड हो जाना चाहिए था, बट इस मंथ में Realme UI 2.0 का ऑफिशियल वर्जन आपके डिवाइस में नहीं मिलेगा। आई होप ये अपडेट आपके डिवाइस में मई 2021 में प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। एंड फी के साथ ही साथ हमारा अगला फोन है Realme X3, X3 Super Zoom, Realme X2, Realme 6, Realme C12, C15 का। फिर इन सभी डिवाइसों में Realme UI 2.0 का बीटा अपडेट ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है। एंड जहां तक रही बात ओपन बीटा सपोर्ट की, फिर ये अपडेट आपके डिवाइस में इफी अप्रैल 2021 के मिड को क्राफ्ट करते करते ओपन बीटा सपोर्ट मिल जाएगा, जहां पे आपने फोन को ओपन बीटा सपोर्ट में अपडेट कर सकते हैं। हालांकि अगर हम कंफर्म करें भाई ओपन बीटा एंड बीटा अपडेट में क्या फर्क होता है, तो इसके रिलेटेड मैंने काफी बार मैंने आपको बता दिया है, बट यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन मिलते हैं भाई ओपन बीटा क्या होता है कैसे, मतलब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं वो मुझे बार बार बताना पड़ता है। तो भाई देखो बीटा अपडेट एंड ओपन बीटा दोनों रहते हैं। बीटा अपडेट में आपको काफी सारे बग एंड इश्यू देखने को मिलते हैं, एंड ओपन बीटा में आपको बीटा अपडेट से कुछ कम बग एंड इश्यू देखने को मिलते हैं। एंड उसी के साथ ही साथ बीटा अपडेट आपको 400-500 कोटाज के साथ में प्रोवाइड होता है, एंड ओपन बीटा आपको काफी सारे कोटाज के साथ में प्रोवाइड हो जाता है, लाइक दैट 5,000-10,000 ऐसे कोटाज देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे जिनका फोन Realme UI 2.0 के बीटा अपडेट में अपडेटेड है उनके डिवाइस में काफी सारे बग एंड इश्यू देखने को मिल ही रहे होंगे। आपके डिवाइस में कोई सा भी इश्यू है, हीटिंग इश्यू, बैटरी ड्रेन एंड कोई भी हो गया, एनीवे आपके डिवाइस में कोई भी इश्यू हो, चाहे आपका फोन Realme UI 1.0 पे हो या फिर 2.0 पे, अगर आपके डिवाइस में कोई भी बग एंड इश्यू है तो आप जो अपने फोन के डायलर में वहां पे टाइप करो *800#, एंड फिर आपके डिवाइस में Realme UI 1.0 या फिर 2.0 का फीडबैक पेज हो जाएगा, वहां पे आपने फोन का फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो जो भी आपके डिवाइस में इश्यू देखने को मिल रहे हैं। इनमें भी आपके डिवाइस में अपकमिंग अपडेट के साथ में न्यू अपडेट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा Realme तरफ से। एंड इसी के साथ ही साथ भैया हमारा एक फोन छूट गया Realme 7 का। फिर Realme 7 डिवाइस में जिनका अभी भी फोन Realme UI 1.0 पे रन कर रहे उनके डिवाइस में इसी अप्रैल 2021 में एक न्यू सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा, जिसमें आपको मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से, क्योंकि भैया पिछले दिनों में ऐसा कुछ होता आया है। एंड आपके डिवाइस में 8.87 का अपडेट प्रोवाइड किया गया था मार्च 2021 में, जिसमें आपको फरवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला था। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड विद एंड्रॉइड सपोर्ट ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहां पे अप्रॉक्स 4,000 यूजर एक्टिव रहते हैं, तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि Realme के कौन कौन से डिवाइस में कौन सा अपडेट प्रोवाइड हो रहे हैं, एंड आप भी अपने डिवाइस में न्यू अपडेट को प्राप्त कर सकते हो। एंड उसी के साथ ही साथ हमारा अगला फोन है Realme 7i, Realme 6i एंड Realme Narzo 10 का। फिर आपके डिवाइस में इस बार फिर से Realme UI 2.0 का बीटा अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। एंड फिर हमारा अगला फोन है Realme C3 एंड Realme Narzo 10 का। फिर आपको बता होगा रिसेंटली
रिसेंटली में रियलमी P3 एंड रियलमी नार्जो 10 ए डिवाइस में रियलमी UI 2.0 का फर्स्ट बैच बीटा बिल्ड 31 मार्च 2021 को प्रोवाइड किया गया। रियलमी तरफ एंड काफी सारे यूजर ने अपने डिवाइस को 2.0 के फर्स्ट बैच बीटा बिल्ड में अपडेट किया एंड P3 वगैरह डिवाइस में ना काफी ज्यादा बग एंड इश्यू देखने को मिल रहे। तो मैंने अभी आपको बताया आपको फीडबैक कैसे प्रोवाइड करना है या फिर आपने फोन को रिफिट करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने फोन को रिफिट कर देंगे ना तो मे भी आपका फोन थोड़ा बहुत पहले से बेहतर चलेगा, थोड़ा स्मूथ तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपके फोन में काफी सारे डाटा वगैरह होते हैं एंड आपका फोन बीटा अपडेट में अपडेट हो जाता है ना तो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। आपने फोन को रिफिट करके फिर से ट्राई कर सकते हैं, मे भी आपका फोन थोड़ा बेहतर जरूर चलेगा। एंड फिर आपके डिवाइस में इसी अप्रैल 2021 को मिड क्राफ्ट करते करते रियलमी UI 2.0 का सेकंड बैच बीटा अपडेट भी प्रोवाइड किया जाएगा रियलमी तरफ से। अभी आपके डिवाइस में ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय है, फिर अभी आप थोड़ा सा करो वेट। एंड यहाँ पे P12, P15 डिवाइस में एक न्यू अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है एंड जितने भी डिवाइसों का मैंने लिया 7 प्रो एंड नार्जो 20 मतलब जो भी डिवाइस हैं इन सभी डिवाइसों को अप्रैल 2021 एंड होते तक एक न्यू सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा। अगर आपका फोन रियलमी UI 2.0 बीटा अपडेट में अपडेटेड है वो एक नॉर्मल सा बग फिक्स अपडेट होगा, मतलब आपका फोन रियलमी UI 2.0 में जो रन कर रहा है ना उसमें कुछ बग वगैरह देखने को मिलते हैं तो उन्हें कुछ बग को फिक्स किया जाएगा रियलमी तरफ से। एंड फिर हमारा अगला फोन है रियलमी X60 रियलमी 3 प्रो 5 प्रो का। फिर इन सभी डिवाइसों में अप्रैल 2021 में कोई सा भी सिक्योरिटी पैच का अपडेट नहीं मिलेगा एंड आपके डिवाइस में मई 2021 में न्यू सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा जिसमें आपको मई 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट रहेगा। इन्फी के साथ ही साथ आपके फोन की परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया जाएगा रियलमी तरफ से। एंडफी के साथ ही साथ आपका फोन कंपेटेबल भी किया जाएगा रियलमी UI 2.0 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट में रन करने के लिए। अगर आपके फोन में मई 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट इंस्टॉल नहीं रहेगा तो आपके डिवाइस में आपको पता होगा जून 2021 में 2.0 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट मिलेगा। अगर आपका फोन मई 2021 के सिक्योरिटी पैच में अपडेटेड नहीं रहेगा तो आपके डिवाइस में 2.0 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट नहीं मिलेगा। एंड रियलमी X7 प्रो डिवाइस में रियलमी UI 2.0 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट इसी अप्रैल 2021 के लास्ट वीक से प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आप भी अपने फोन में ट्राई कर सकते हैं। बीटा फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा है। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू देखने को मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करो, मैं आपको हिंदी में भोजपुरी में सब कुछ समझा दूंगा कि आपको फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करने की जरूरत है। एंड भैया यहाँ पे अगर आपका कोई सा भी फोन है एंड मैंने मिस कर दिया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको रिप्लाई करने की विथ सॉल्यूशन। एंड दैट फिट एंड बहुत सारा थैंक्स, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।